नमस्कार, पांच शहर पांच खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश से पांच बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पांच तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले आज बात करेंगे, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से सीधा संवाद किया है, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। वहीं दूसरी खबर बीजेपी संगठन और उपचुनाव से जुड़ी हुई है। बगावत की आहट को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। तीसरी खबर बैतूल से, जहां एक कांग्रेस विधायक ने वो किया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। चौथी खबर में बात होगी रतलाम की, जहां एक दुष्कर्म के मामले को राजनीतिक तूल देने के चक्कर में कांग्रेस के नेता एक बड़ी चूक कर बैठे। वहीं पांचवी और आखिरी खबर सतना से, जहां ग्रामीण विकास की राह देख रहे हैं। इन पांच खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया। उन्होंने सबसे पहले इंदौर में झाड़ू बेचने वाले छगनलाल से बात की। इसके बाद पीएम ने ग्वालियर के टिक्की सेंटर चलाने वाली महिला अर्चना शर्मा से भी संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अर्चना से कहा कि मैं जब आपके शहर ग्वालियर आऊंगा तो क्या आप मुझे टिक्की खिलाएंगी। वहीं पीएम मोदी ने रायसेन के सब्जी वाले दालचंद्र कुशवाहा से भी बातचीत की। इन सभी से पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी ली और पूछा कि इस लोन योजना से किस तरह फायदा हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताते हुए मोदी ने कहा कि इस योजना का मकसद है कि गरीब आदमी एक बार फिर से खड़ा हो सके। पीएम मोदी के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल निवास से जुड़े थे। आपको बता दें कि अकेले मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें 4 लाख से अधिक को परिचय पत्र और वेंडर प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदन में से 47% मध्य प्रदेश से हैं, यानी मध्य प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पर है। वहीं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान पथ विक्रेताओं के खाते में 10,000 रुपये की राशि भी पहुंचाई गई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छगनलाल जी, बताइए अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? थोड़ा सा माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कोटि कोटि दिलो जान से पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ। हाँ बताइए जी। सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूँ। इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो चुका। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं आप? सर ये दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते हैं, और जिसके बाद में दूसरे रोज हम पेरी पे निकल के बेचने निकल जाते हैं। नहीं तो ये परिवार में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, झाड़ू बनवा देते हैं? नहीं सर, पढ़ते भी नहीं बच्चे। सर पढ़ते भी है बच्चे। हाँ सर। छगनलाल जी, और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, स्ट्रीट वेंडर से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया, अगर फोकस किया जाए सर, अगर फोकस किया जाए तो ग्वालियर के टिक्की सेंटर चलाने वाली महिला से उन्होंने बात की, इंदौर में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे उन्होंने बात की है, और ये ऐसी जगह है जहां आने वाले समय में उपचुनाव होना है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो एक तरीका रहता है काम करने का, वो काम को करने के साथ साथ उसे एनकरेज करने में भी बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। अगर आपको याद हो, जिस पहले चुनाव में उनका भाजपा को बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला सेंट्रल में, तो उस चुनाव से पहले मोदी ने सबसे ज़्यादा यूथ पर फोकस किया था, युवाओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी थी उन्होंने, और यही वजह रही कि उनके फैन फॉलोइंग में जो देश का युवा वर्ग बहुत ज़्यादा जुड़ा, और उसने उनकी जीत में
अहम भूमिका अदा की है। दूसरे चुनाव से पहले पहले मोदी ने उस वर्ग को टारगेट किया था जो दो साल बाद, मतलब जब उन्होंने कार्यक्रम किया तो उसके दो साल बाद जो वोट देने की स्थिति में आने वाला था, और उसका भी उनको फायदा मिला। तो ये जो हुआ, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि इंदौर और ग्वालियर पर फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ की सीट पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो और इसका भी आपका ये असेसमेंट पूरी तरह से, लेकिन इसका एक एंगल और भी है कि इस तरीके के जो इमोशनल, अभी हमने छगन लाल की जो बात सुनी, जो इस बात से अभिभूत था कि वे प्रधानमंत्री उससे बात कर रहे हैं, दिन भर में कितनी झाड़ू बिकती है नहीं बिकती वो उसमें एक अलग मैटर हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन एक आदमी इसी बात से निहाल के भी देश के प्रधानमंत्री ने सीधे उससे बात की है, इसी तरीके से दो और लोग जिनका चयन किया गया, तो इसका एक जो इमोशनल करंट जो पॉजिटिव वे में बहता है उसका भी लाभ निश्चित रूप से मोदी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। और इंदौर ग्वालियर का चयन, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से वहां से एक तरीके से उसका लाभ लेने की, राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश की गई है। जया बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने बताई है कि उपचुनाव के लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण ये संवाद माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इमोशनल जो कार्ड है वो बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, और इसी तरह का फायदा, शायद इस बात का फायदा आने वाले समय में उपचुनाव में ज़रूर बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स से सीधे उन्होंने बात की है तो उसका फ़ायदा बीजेपी उठाने की कोशिश ज़रूर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका रत्नाकर जी इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन आपको बता दें, स्ट्रीट वेंडर से सीधी बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और आपको बता दें ग्वालियर और इंदौर के लोगों से खास तौर पर बात की गई, यहाँ के स्ट्रीट वेंडर से सीधे तौर पर बात की गई, और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहाँ इस योजना के तहत 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 4 लाख से ज़्यादा को परिचय पत्र और इसी के साथ वेंडर प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, यानी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है, इस लिहाज से इस संवाद को बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी के पुराने नेताओं में असंतोष है, खासकर उन नेताओं में ज्यादा रोष है जो पिछले विधानसभा में चुनाव हार गए थे। उन सीटों पर उपचुनाव में सिंधिया के लोगों को ही टिकट मिलेगा, ऐसे में इन सीटों से कभी बीजेपी के उम्मीदवार रहे लोग अपने सियासी करियर को लेकर चिंतित है। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश शुक्रवार ने मंगलवार को पार्टी छोड़ दी, इसके बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। बगावट की आहट को देखते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एमपी में एक्टिव हो गए, क्योंकि बीजेपी प्रदेश में अभी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। संगठन महामंत्री बनने के बाद बीएल संतोष पहली बार भोपाल दौरे पर हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर वो मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ मैराथन बैठकें करेंगे, साथ ही रूठे लोगों को मनाने का काम करेंगे। चर्चा है कि इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बाहर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। वीएल संतोष पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। कर्नाटक में भी उपचुनाव के दौरान उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, और अब एमपी में बीजेपी को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला। इधर बीएल संतोष उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जमीनी स्तर पर भी लोगों से फीडबैक लेंगे। इस दौरान संगठन महामंत्री असंतुष्टों और पिछले विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों और उनकी मौजूदा सक्रियता के बारे में भी बात करेंगे। बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आज मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से लेकर के चुनावी तैयारियों को लेकर के वो चर्चा करेंगे, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद उनका पहला मध्य प्रदेश में दौरा है, इसलिए हम उनका बहुत हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। कांग्रेस के कहने से बीजेपी में संतोष हो जाता है क्या? अरे ये तो आप लोग देखो जरा कि हमारे यहाँ संतोष है कि नहीं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए, पुराने नेताओं में असंतोष हो गया है, जिनसे हारे थे उनका अब सपोर्ट यहाँ पर उपचुनाव में करना पड़ेगा। दूसरी बात, बीजेपी भले ही इस बात से इनकार कर रही है कि असंतोष नहीं है, कैडर वेस्ट पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, लेकिन असंतोष है, और इसीलिए ही आला कमान ने, हाई कमान ने, ऊपर बैठे नेतृत्व ने भी यहाँ पर सक्रियता दिखाई है। बिल्कुल, देखिए जया, कि असंतोष राजनीतिक दलों का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि किसी को भी संतुष्ट कर पाना मुश्किल काम है। जो लोग आज अपने
दावेदारी जता रहे थे और उनका टिकट कट गया है, जो कांग्रेस से लोग आए उनको टिकट मिलेगा, जो से पिछला चुनाव हारे थे उनको भी किसी ना किसी का कभी ना कभी टिकट काट कर ही पार्टी ने मैदान में उतारा था, ये बात वो लोग भी जानते हैं। लेकिन चूंकि अपना वजूद बचाए रखना है उनको, उनकी चिंता ये है कि कुछ उम्र दराज नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो जो कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं ज्यादातर जो युवा लोग हैं, अगर वो अगला चुनाव ये चुनाव जो उपचुनाव जीत जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब 2023 में चुनाव होंगे तो उनके टिकट की दावेदारी होगी। ऐसे में बीजेपी के वो नेता जो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए जिनका ये आखिरी चुनाव हो सकता है, या वो जिन्होंने एक या दो चुनाव लड़े हैं, तो उनको अपने राजनीतिक भविष्य का वजूद पर संकट मंडराता दिख रहा है। इस सब असंतोष को थामने के लिए बीए संतोष को भोपाल भेजा गया है। लगभग एक साल हुआ है, अक्टूबर पिछले साल अक्टूबर में बीएल संतोष मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे जी। उसके बाद ये उनका मध्य प्रदेश का पहला दौरा है। दो दिन के इस दौरे में वो असंतुष्ट लोगों से चर्चा करेंगे, पार्टी में जो पन्ना प्रमुख तक संगठन की इकाई तैयार की है उसमें कितना काम किया है वो थी उसकी जानकारी लेंगे। जो जमीनी स्तर पर फीडबैक बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं ने जुटा कर दिया है कि किस सीट पर उपचुनाव में किस नेता की क्या स्थिति है, उसके जीतने के चांस कितने हैं, उसके खिलाफ कौन कौन लोग काम कर सकते हैं, उस क्षेत्र के इशू क्या हो सकते हैं और कैसे संतोष को थाम कर चुनावी रण में जीत दिलाई जाए, इन सारे पहलुओं पर वो विचार करेंगे, पार्टी की रणनीति को समझेंगे और फिर अपनी रणनीति बताएंगे। क्योंकि बीजेपी में उनको लंबे समय से संघ से जुड़े हैं वो और बीजेपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सेवाएं ली थी, तो उम्मीद की जा रही है कि उनके संघों का लाभ पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं या इस तरह की कोई तस्वीरें निकलकर सामने आती है तब कांग्रेस पर सवाल खड़े करने वाली बीजेपी की भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आती है और उसके बाद हाईकमान को दखल देना पड़ता है, हाईकमान को मैदान में उतरना पड़ता है, समझाइश देनी पड़ती है। अभी जो उपचुनाव की स्थितियां इस समय मध्य प्रदेश में बनी हुई है और आला नेताओं की तरह से नाराजगी, इसे दूर करने में क्या बीएल संतोष कामयाब हो पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जहां तक बात असंतोष की है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जैसे मैंने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ साथ बीजेपी भी अब पार्टी विद डिफरेंस नहीं बची, उसमें भी कई सारी सत्ता के साथ जो बुराई आती है वो बुराई अब पार्टी में आ गई। हालांकि पार्टी को समझ में आ गया था जो नेता है कि जब पिछले समय उनका जब सरकार नहीं थी 15 महीने और उस समय जो उनको परेशानियां हुई है जिसका जिक्र पिछले दिनों जब बैठक में शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा था कि सारा सत्ता और ये पद और रुतबा सब सत्ता के साथ है, अगर सत्ता चली जाती है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो ये एक ऐसी बात है जो शायद कार्यकर्ताओं को समझ में आए और वो भीतर घात करने से बचे। और जो नेताओं जहाँ तक बात है जिनके आने जाने की, जैसे कल जो सतीश सिकरवार गए या कुछ और नेता जो नाराज चल रहे हैं या खबरें हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं जी। तो भविष्य उनका भी अधर में रहेगा क्योंकि उनके साथ भी वही दिक्कत आएगी जो बीजेपी के सामने आ रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने 25 सीटों पर जिन लोगों के खिलाफ टिकट मांगा था अब वो उनके पक्ष में टिकट मांगेंगे और यही स्थिति कांग्रेस के सामने होना है। अगर वो प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में उतारते हैं, अगर वो सतीश सिकरवार को उतारते हैं, केएल चौधरी केएल अग्रवाल को उतारते हैं, राजेंद्र चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को उतारते हैं, तो ये सब ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, चुनाव जीते भी हारे भी और वापस कांग्रेस के टिकट पर मैदान में सतीश सिकरवार को छोड़कर। तो ऐसे में जो कांग्रेसी इनके विरोध में काम कर रहे थे वो इनके लिए जब वोट मांगने जाएंगे तो उनके लिए भी असहज स्थिति बनेगी। तो लेकिन राजनीतिक दलों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि नेता तो केवल भाषण और बाकी रणनीति में व्यस्त रहते हैं। जो डोर टू डोर जाना होता है, पार्टी की रीति नीति बताना हो, वोट मांगने के लिए वोटर को निकालना हो या अपनी बात जनता तक पहुंचाना हो, ये सारा काम उस कार्यकर्ता के जिम्मे होता है जिससे पॉलिटिकल पार्टियां केवल या तो झंडा उठवाती हैं, दरी बिछवाती हैं, नारे लगवाती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन दो दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम कार्यकर्ताओं से नेताओं से कहा था कि जब तक सरकार है तब तक ही ये वजूद आप लोगों का है, अगर सरकार नहीं रही तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हालांकि शायद उसका इतना असर दिखाई नहीं दे रहा है और नाराजगी अभी भी दिखाई दे रही है, जिसके बाद बीएल संतोष अब राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। दो दिन का ये दौरा है, इस दौरान कई बैठकें होंगी, असंतुष्टों को मनाने की भी कोशिश की जाएगी, इसके साथ ही उपचुनाव की जो रणनीति है उस पर भी मंथन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक रस्साकशी में नेता दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में ऐसा मामला सामने आया जहां बीजेपी के मंडल कार्यालय का शुभारंभ
पार्टी के किसी दिग्गज ने नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक ने कर दिया। घोड़ा डोंगरी के कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने शाहपुर में बने बीजेपी कार्यालय का फीता काटा, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। कार्यक्रम में जमकर विवाद भी हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धोखा देकर मुझे बुलाया गया, मैं एक बाप का हूँ। घटना शाहपुर जनपद परिसर की है, जहां मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत भाजपा सांसद डीडी उइके और कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी को बर्तन और सामग्री वितरित करना था। इस कार्यक्रम के बाद जनपद पंचायत के 18 दुकानों का भी लोकार्पण होना था और इसी के तहत बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक से एक शटर में लगा फीता कटवा दिया गया। इसी जगह अंदर भाजपा मंडल शाहपुर के बैनर पोस्टर लगे थे। यहाँ फीता काटने के बाद कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी करीब 20 मिनट तक बैठे, लेकिन जैसे ही उन्हें गलती का एहसास हुआ उन्होंने कार्यक्रम से रवानगी ले ली। वाहिद खान हमारे साथ संवाददाता और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वाहिद, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस विधायक को ऐसी गफलत कैसे हो गई कि अपना कार्यालय और अपोजिट पार्टी का कार्यालय पहचान नहीं पाए और बीजेपी पार्टी का कार्यालय का फीता काट कर आ गए। इसमें दो चीज निकल के आ रही है कि वहाँ पे एक संयुक्त कार्यक्रम भी था बर्तन वितरण वाला, और जो दोनों बिल्डिंग है वो आमने सामने थी। इनका सूत्रों के कहने के अनुसार पता चला है कि उनका कहना आया कि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है यहाँ, जबकि बीजेपी के वहाँ पोस्टर वहाँ पे पीछे पूरे बैनर लगे हुए थे, बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे, तब भी आपको इनको समझ आना चाहिए था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये इसे क्या समझा जा सकता है, जब कार्यक्रम में फीता काट दिया, 20 मिनट तक बैठे रहे, उसके बाद सफाई पेश करते हैं कि मुझे पता नहीं था, मेरे साथ धोखा हुआ, इस तरह की बात है। और यही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाली थी, जो आपने कहा कि अगर दो अलग अलग कार्यक्रम थे तो दो अलग अलग कार्यक्रमों में दो अलग अलग कार्यकर्ता मौजूद रहे होंगे, बैनर पोस्टर कार्यकर्ता लगाते हैं, हर जगह दीवारें पटी होंगी इन बैनर पोस्टर से, उसके बाद भी कांग्रेस विधायक को नजर नहीं आया कि आप किसी गलत कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, या बीजेपी के विधायकों ने भी कार्यकर्ताओं ने भी रोकने की कोशिश इन विधायक को नहीं की कि आप गलत बिल्डिंग में हैं, गलत जगह का फीता काट रहे हैं? क्योंकि तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम है वहाँ पे तो पूरा माहौल ही एक तरीके से, अगर कांग्रेस का कार्यक्रम है तो कांग्रेस ही कार्यकर्ता रहते हैं, बीजेपी का कार्यक्रम होता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ रहते हैं, पूरा बैनर पोस्टर वहाँ का वातावरण ही उस कांग्रेस में ही या बीजेपी में ही होता है जिनके भी कार्यक्रम होते हैं। ये बात बिल्कुल गले से उतरने वाली नहीं है कि ये धोखे में वहाँ पे बैठे। चलिए, शुक्रिया आपका वाहिद जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन वाकई हैरानी की बात है कि दो अलग अलग कार्यक्रम और कैसे गफलत हो गई कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी को कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय का फीता काटा है, जबकि वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। हैरानी की बात यह भी है कि कांग्रेस विधायक के साथ उनके कार्यकर्ता भी होंगे, उन्होंने भी रोकने की कोशिश नहीं की। बीजेपी कार्यालय में जब ये कार्यक्रम था तो बीजेपी कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद होंगे, उन्होंने भी रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि अब सफाई पेश करते जो कांग्रेस के विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम से रवानगी ले ली। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रतलाम जिले की, जहां बीते दो दिन पहले हुए दुष्कर्म के मामले को अब राजनीतिक मुद्दा बनाने के चक्कर में कांग्रेस के नेता बड़ी लापरवाही कर बैठे। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुष्कर्म पीड़िता का फोटो उसके नाम सहित एक बैनर के रूप में सार्वजनिक कर दिया। जानकारी के मुताबिक रतलाम के बिलपांक थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका के सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में रतलाम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 बत्ती चौराहे पर शाम को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में दुष्कर्म पीड़िता बालिका का फोटो और नाम का बैनर लगाकर मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हुए नारेबाजी की। इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना ही मास्क लगाया और यहाँ तक कि यातायात विभाग से अनुमति भी नहीं ली। यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दुष्कर्म पीड़िता का फोटो और नाम भी उजागर कर दिया। में जो हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें हमारी एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, जिसमें अपराधियों को पकड़ा गया और वापस फरार भी हो गए, कुछ वापस पकड़ने भी आए, इसी पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटना निरंतर बढ़ रही है। महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार और बलात्कार की घटना निरंतर
जब से शिवराज सिंह सरकार बनी है, जब से महिलाओं पर अत्याचारों में निरंतर वृद्धि हुई है, बलात्कार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि है। प्रदेश ने कहीं प्रगति करी या नहीं करी हो, लेकिन बलात्कार के मामले और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। इन घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर हमारी जो मृत बहन मासूम बालिका को आज यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कांग्रेस कमेटी ने मांग करी है दोषियों को जल्दी पकड़कर उनके फांसी की सजा दी जाए, इस बात का विरोध प्रदर्शन किया गया। और महामहिम राज्यपाल जी से हम मांग करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को शीघ्र सुधारे, और अन्यथा इस शिवराज सिंह सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, यह कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है। और देश को आज़ाद हुए 7 से ज़्यादा दशक बीत चुके हैं, इस दौरान कई सरकारें आईं कई चली गई, यहाँ तक कि मानव चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। चुनाव के समय नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही गांव का विकास भूल जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर सतना जिले के मझगवा जनपद पंचायत से सामने आई, जहाँ कुहारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले लामा टुटेला गाँव के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो ना तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही उनकी कोई सुन रहा है। दो नदियों के बीच बसा एक गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं, जिसके चलते ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। बारिश के समय स्थिति तब और ज्यादा खराब हो जाती है जब दोनों नदियां उफान पर होती हैं। लोग रस्सी के सहारे नदी पार करते हैं, और जब कोई बीमार हो जाए तो उसे खटिया पर लाद कर नदी पार खींचवाती है। अगर ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन वापस चुनाव के समय ही लौटते हैं। आगे नदी है वहाँ से, जितनी उनके प्राइवेट वाली जमीन रही है तो वहाँ से तो हम जन भागीदारी से बना लाए जितनी रही, और जन भागीदारी से बनाने के बाद इस तरफ प्राइवेट जमीन, तो ये प्राइवेट जमीन नहीं मिल पावट है, और उनके आवे जाए के लाने कोई साधन नहीं है यहाँ तक कि कोनो पुल हो या कोनो हो नदी से कि कहूँ के रास्ता मारे। गर्भवती महिला भी आज हैं 8-10 था, तो उनके लाने हम स्वास्थ्य विभाग भेज नहीं पाते, भेज पाओ यहाँ नदी के रफ्तार के जरूरी है। लामा गांव है, कहाँ ग्राम पंचायत मझगवा तहसील, हमें यहाँ में पानी के नल उखे नहे उखे रफ्तार के बहुत जरूरी है, और हमारे सब ठीक है जितना है जैसा है, तो रफ्तार के बहुत जरूरी है। यहाँ बीमार हो गए, तंग हो गए, तो कोई दवा दारू नहीं है, आने जा नहीं पावते हैं, ऐसे मर जाते आदमी। ऐसा है कि हमारे नदी के नहीं उतरे मिल जाता है, इतना पानी पर काम चल रहा है, गोरी बसे जंगल में फंसे हैं हम लोग, है तो कहूँ टीपन से कहूँ ये क्या के नकली में बैठ बैठ जा रहे हैं आए, और चार चार लड़का बच्चा पहले 3 साल से हुई, 3 आदमी खत्म हुई कि नदिए में बूढ़ बूढ़ और बतावा 3 साल से नदिए में खत्म हुई कि भैया ढंग है रोज का काम यह है के लोग आगे गए, और 2-3 शादी बही तो लड़का बच्चन का कहा बताऊँ गाँव नही मेहरियाँ हैं कन्हियन में उतारेंगे पड़ी बोलो ऐसे वैसे विधायक से कहो कहा कोलदा सरपंच उन्हें तो बहुत मार। हमारी ग्राम पंचायत कुम्हारी है, और जोर है तो ये रोड नहीं है, हमारे यहाँ दो नदी हैं, हम लोग जैसे कैसे निकलते हैं, ये नाव से निकलें, ये तैर के निकलें, ये ट्यूब से निकलें, ये अपना कैसे भी निकलें, अपना गुजर कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ कोई सुनाई नहीं होता। हम जैसे कैसे सबको लगाया, कितनी बार क्या नहीं किया, लेकिन हमारी अभी कोई सुनाई नहीं हुई, रोड नहीं हल हुआ है, हम तो यहाँ मर रही रहे, अभी भी मर रहे हैं, अभी हमारे माँ बाप मर रहे हैं, हम भी मरेंगे इसी तरह, नहीं कोई रोड होगा, नहीं पुल होगा, कोई बीमार होगा, किसी को सांप काटेगा। संवाददाता राजा खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा, जो ग्रामीण बात कर रहे हैं मीडिया के सामने, जो अपनी व्यथा मीडिया को बता रहे हैं, समझ में आता है कि कितने परेशान हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद इन्हें उम्मीद जगती होगी कि शायद अब हम अगर अपने जनप्रतिनिधि को जिताएंगे, वोट देंगे, तो शायद हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां आती हैं और चुनाव जीतने के बाद मुड़कर भी नहीं देखती, और इनकी जो समस्या है जस की तस रहती है, जो कि केवल उनका दुख मीडिया के सामने छलकता है। जी बिल्कुल जया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतना जिले के मझगवा जनपद के लामी गांव का मामला है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो नदी पार करते हैं वो ट्यूब में जाते हैं, और दूसरी चीज जनप्रतिनिधि का तो आज नहीं है, पुराना रवैया है कि पहले भी आते हैं वोट मांगने के समय, इसके बावजूद फिर तो पलट के भी अपनी जनता को देखते नहीं नजर आते हैं, और शासन प्रशासन की जहां बात किया जाए तो इस संबंध में हमने एसडीओ से बात किया, तो उन्होंने बोला कि हमारे मामले संज्ञान में मामला आया हुआ है, इसको आगे अपन देखते हैं, जैसे भी कुछ वो होता है तो अपन रोड की बात करेंगे। अधिकारियों की उदासीनता का कारण क्या है?
बिल्कुल जी, बता दूं आपको ना कि इस संबंध में नेताओं से भी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना यही है कि भारी सारी दिक्कत का सामना गांव वाले करते हैं, और जब बरसात होती है पुल के दोनों तरफ से पानी रहता है और स्टील के सहारे में जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया भी है मेरे को कि मतलब चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे लड़की की शादी हो, बारात भी आती है किसी तरह आती है, और दूसरी तो लड़कियां घर में वहां शादी हो गई है लेकिन ससुराल पक्ष वाले लेने भी नहीं आते हैं, कहते हैं गांव वाले तो साफ तौर पे कहते हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगी तो आपके लड़कियों को हम लेके अपने घर नहीं जाएंगे, हम लोग को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जय, चलिए बहुत शुक्रिया राजा जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, सतना जिले के मझगवा जनपद पंचायत की तस्वीरें हैं। दो गांव के बीच में ये ग्राम पंचायत फंसी हुई है क्योंकि नदियों पर पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो इन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच रही। अब आप देख सकते हैं फिलहाल बारिश मध्य प्रदेश में थमी हुई है, लेकिन उस समय में भी ऐसी तस्वीरें जब बाढ़ के हालात मध्य प्रदेश में बने थे तब भी ग्रामीण इसी नदी को पार करने को मजबूर थे। कोई बीमार हो जाए या किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तब भी ग्रामीण इसी नदी को पार करके मुख्य सड़क तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों की और जनप्रतिनिधियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है और इन ग्रामीणों की समस्याओं को समझने को कोई तैयार नहीं है। इसी के साथ पांच शहर पांच खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।